और यहाँ पर इसका आप एप्लीकेशन को यूज करके जो बिल्ट इन जीपीएस है आपके फोन का उसको यूटिलाइज करके आप बिल्कुल एक्यूरेसी ले पाएंगे स्टेप काउंटिंग को लेके। यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स चलते हैं फिर हम चेक करेंगे कितनी आपको एक्यूरेसी मिलने वाली है यहाँ पे स्मार्ट वॉच के थ्रू। ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। ओके, यहाँ पे अभी मेरे पास ना पेबल ब्रांड की तरफ से पेबल फ्रॉस्ट प्रो एक स्मार्ट वॉच है, ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच। अभी मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ अपने टेरिस पे खड़े होके, तो मेरी आवाज़ तुम्हें कंपैरेटिवली कैसे आ रही है? तो क्या हाल है दोस्तों आप लोग की? आप लोग के ऑलरेडी काफी भर भर के कमेंट्स आ चुके हैं कि हमें रिव्यू करना चाहिए पेबल फ्रॉस्ट प्रो स्मार्ट वॉच को। इसका बिल्कुल जो लुक एंड फील दिया गया है एप्पल वॉच की जो सीरीज रहती है अल्ट्रा सीरीज, उसके लुक एंड फील की आपको स्मार्ट वॉच मिलने वाली है और इसका प्राइसिंग है 2000 रुपए के आसपास, उसके अंडर ही है। वैसे क्या प्राइसिंग थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं, मैंने सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप विजिट करके इसका करंट प्राइस चेक कर सकते हैं। और यहां पर आपको बड़ा 1.96 इंचेस का इसमें आपको इनफाइनाइट डिस्प्ले मिलने वाला है, बेजल्स काफी कम देखने को मिलेंगे, ऑलमोस्ट आपको सेम लुक एंड फील मिल जाएगा एप्पल सीरीज की जो स्मार्ट वॉचेस रहती हैं वैसे आपको लुक एंड फील मिलने वाला है। ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर मिल जाएगा इसमें आपको, साथ ही में रोटेटिंग क्राउन मिलने वाला है, फीचर्स भी काफी इंप्रेसिव दिए गए हैं। सब आपको टेस्टिंग दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से, हम लोग करेंगे इसकी ग्रिलिंग ताकि अगर आप सोच रहे हैं इसमें मनी इन्वेस्ट करने का एंड तक पहुंचते पहुंचते सब देखने के बाद डिसाइड कर ही लेंगे फाइनली कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। सो होप यू लाइक दिस वन एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत कर लेते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया पैकेज मिलने वाला है पेबल फ्रॉस्ट प्रो स्मार्ट वॉच का, बिल्कुल आपको प्रीमियम बॉक्स मिल जाएगा। बैक साइड में काफी फीचर्स मेंशन है, हम एक एक डिटेलिंग प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे इस वीडियो में आगे। इसको आप जैसे अनबॉक्स करेंगे तो आप पैकेजिंग देख सकते हैं, पैकेजिंग में बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क किया हुआ है और इसके अंदर आपको मिलने वाला है एक छोटा सा बिल्कुल आपको पैकेज मिल जाएगा जिसके अंदर आपको मिलने वाला है 1 ईयर की ब्रांड वारंटी कार्ड, साथ ही में एक यूजर मैनुअल मिलने वाली है। और यहाँ पर अगर आपको फ्री स्ट्रैप भी चाहिए ब्रांड की तरफ से इसको आप क्लेम कर सकते हैं इस कार्ड को यूटिलाइज करके। और एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलने वाला है प्रॉपर यहाँ पे आपको किट के साथ, ये भी एक प्लस पॉइंट है, इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और इस तरीके की आपको यहाँ पे चार्जिंग केबल मिलने वाली है एडिकेट लेंथ की टू चार्ज योर स्मार्ट वॉच। और अगर हम मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द स्मार्ट वॉच यू विल बी गेटिंग। फिजिकल ओवरव्यू चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 22 mm के आपको बढ़िया लुक एंड फील के आपको सिलिकॉन स्ट्रैप्स मिलने वाले हैं, स्ट्रेचेबल तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको आप प्रॉपर तरीके से डिटैच भी कर सकते हैं इस तरीके से, अगर आपको नए स्ट्रैप्स लगाने हैं उनको भी आप लगा पाएंगे। और वॉच के बैक साइड में आपको मिल जाएंगे सेंसर्स, चार्जिंग पॉइंट मिलने वाला है, यहाँ पे आपको बिल्ट इन स्पीकर मिलेगा, माइक्रोफोन मिलेगा, इसका आउटपुट कैसा है ब्लूटूथ कॉलिंग का हम आगे टेस्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से। और साइड में आपको यहाँ पे मल्टी फंक्शन बटन मिलने वाला है, एक क्राउन की फंक्शनलिटी मिलने वाली है एंड यहाँ पे आपको पूरी आप देख सकते हैं मेटालिक बिल्ड की आपको यहाँ पे स्मार्ट वॉच मिलने वाली है, पूरा टफ लुक एंड फील प्रोवाइड करती है। अगर आपको ऐसे लुक एंड फील की जो एप्पल सीरीज की स्मार्ट वॉच है वैसे आपको लुक एंड फील की स्मार्ट वॉच चाहिए बजट फ्रेंडली, इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं उस पर्पज के लिए। और फ्रंट में आपको मिलने वाला है 1.96 इंचेस का इनफाइनाइट डिस्प्ले मिल जाएगा, बढ़िया आपको यहाँ पे लुक एंड फील प्रोवाइड कर रहा है, बेजल्स काफी कम प्रोवाइड किए गए यहाँ पे देख सकते हैं, व्यूइंग एंगल्स काफी बढ़िया दिए गए, इसमें आपको कर्व ग्लास दिया गया है, ब्राइटनेस पार्ट को लेकर इंट्रो कंडीशन की मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। और साथ ही में इसमें आपको यहाँ पे साइड में बटन दिया गया जो क्राउन की फंक्शनलिटी है इसको आप रोटेट करके प्रॉपर तरीके से जो वॉच फेसेस है उनको आप चेंज कर सकते हैं और जो मेन्यू है उसको भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से फंक्शन करता है इसका क्राउन, इसको लेके कोई इशू नहीं लगा। एंड यूआई की स्मूथनेस की बात करेंगे आपको इस तरीके का यूआई मिलने वाला है, बहुत ज्यादा आपको बोल सकते हैं ना परफेक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं है लेकिन आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यूआई को यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है वैसे। और अगर हम ओवरऑल फीचर्स की बात करेंगे यहाँ से अगर आप स्क्रीन से स्वाइप डाउन करते हैं तो आपको मिल जाएगा जो ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लैश लाइट को भी यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आपको इमरजेंसी में यूज करनी है तो, और जो ब्राइटनेस है उसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं स्मार्ट वॉच की। और अगर हम आउटर कंडीशन की ब्राइटनेस की बात करेंगे, आउटर कंडीशन में ब्राइटनेस फुल कर दिए और आप देख सकते हैं आपको अच्छी ब्राइटनेस मिल जाएगी, आप बिल्कुल आराम से वैसे सनलाइट में भी यूज कर सकते हैं स्मार्ट वॉच को, विजिबिलिटी पार्ट को लेकर आउटर कंडीशन की मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। और यहाँ पर आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड्स मिलने वाले हैं, आप कोई सी भी एक्टिविटीज करते हैं यहाँ से प्रॉपर तरीके से ट्रैकआउट कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से कनेक्ट करेंगे, अगर आप फोन को यूज करके कनेक्ट करके जो जीपीएस दिया गया आपके फोन का बिल्ट इन उसको यूटिलाइज करके आप प्रॉपर ट्रैकिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं घूम फिर के अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं 40 स्टेप्स चल के आया था लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 37 स्टेप्स दिखा रहा है, तो आपको हल्की फुल्की कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा परफेक्शन नहीं है स्टेप काउंटिंग को लेके, थोड़ी बहुत आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। और जो मैप है वो आपको प्रॉपर तरीके से दिखा देगा आपके लिए कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, प्रॉपर यहाँ पे आपको मैप का यूटिलाइजेशन भी मिल जाएगा। और साथ ही आपको मिलने वाले मल्टीपल मेन्यू स्टाइल, यहाँ पे आपको अलग अलग स्टाइल्स मिल जाएंगे, आपको कैसा स्टाइल पसंद है मेन्यू व्यू का अपने हिसाब से सेट करके उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसमें आपको म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाएगा, यहाँ से आप कनेक्शन स्टैब्लिश करके प्ले पॉज कर सकते हैं, ट्रैक्स को ट्रैक्स आप चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रैक प्रीवियस ट्रैक पे जा सकते हैं। और जो बिल्ट इन स्पीकर दिया गया है उसके थ्रू भी आप म्यूजिक प्ले कर पाएंगे, लगे उसका भी एक साउंड टेस्ट देख लीजिए आप।
और यहाँ से अगर आप सीन से स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो आपको ऐसा स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया, ऐसा लुक एंड फील प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट्स मिलने वाले हैं। और स्क्रीन से स्वाइप राइट करते रहेंगे तो यहाँ पे जो वॉच फेसेस ऑटोमेटिक ऐसे चेंज होते रहते हैं। अगर आपको चेंज करने हैं वॉच फेसेस जो आपको अप्लाई करना है, यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। और जो नीचे वाला बटन दिया गया उसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे सिंपली बैक साइड पर लेके जाएगा और स्क्रीन को ऑन और ऑफ करता है। और जो ऊपर वाला बटन है क्राउन का बटन, उसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे जितनी भी आपका एप्लीकेशन है स्मार्ट वॉच की यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, या फिर अगर आप स्क्रीन से स्वाइप अप करेंगे जितनी भी आपका एप्लीकेशन है यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फोन कॉलिंग का ऑप्शन मिलने वाला है, प्रॉपर आपको डायल पैड मिल जाएगा। और अगर किसी का कॉल आ रहा है तो सिंपली आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं। एक आउटर कंडीशन का ब्लूटूथ कॉलिंग का टेस्ट भी देख लीजिए लगे हाथ। हेलो, हाँ दीक्षा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है, ओके। यहाँ पे अभी मेरे पास ना पेबल ब्रांड की तरफ से पेबल फ्रॉस्ट प्रो एक स्मार्ट वॉच है, ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच। अभी मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ अपने टेरिस पे खड़े होके, तो मेरी आवाज तो कंपैरेटिवली कैसे आ रही है? आवाज तो क्लियर आ रही है, समझ में अच्छे से आ रहा है, लाउडनेस भी ठीक है, थोड़ी विंड नॉइज आ रही है। हाँ यार, थोड़ी हवा चल रही है उसकी, तो मैं आवाज आ रही है। हाँ, मेरी आवाज पे फोकस कैसा है लाउडनेस क्लैरिटी को लेके? सही है, मतलब बस विंड की नॉइज भी आ रही है लेकिन फोकस है तुम्हारी आवाज। ओके ओके, ठीक है दीक्षा, थैंक यू, बाय। तो ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर है, बहुत ही सही तरीके से वर्क करता है, उसको लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। सामने वाला फोकस नहीं मुझे सुन पा रहा था। अगर आप घर के अंदर बातचीत करते हैं, टेरेस में है, अपने बालकनी में है, घर के नीचे आसपास है, ज़्यादा ट्रैफिक कंडीशन में नहीं है, आराम से ऐसे बातचीत कर सकते, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सामने वाला फोकस आपको सुन पाएगा और स्पीकर की लाउडनेस भी आपको अच्छी मिलने वाली है। मैं भी सामने वाले को आराम से सुन पा रहा था, ऐसे करके आप बातचीत करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी ब्लूटूथ कॉलिंग को लेकर। और यहाँ पर आपको मिलने वाला है कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन, कॉल लॉग चेक कर सकते हैं, मैसेज में आप देख सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, एसएमएस नोटिफिकेशन, ऐसा आपको डिस्प्ले मिलने वाला है। यहाँ पे आपको लिमिटेड डिस्प्ले मिल जाएगा, स्क्रॉल करके आप फुल मैसेज रीड नहीं कर सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे ड्रॉबैक लगा इसको लेके। स्टेप काउंटिंग का ऑप्शन मिलने वाला है, स्लीप मॉनिटरिंग सेंसर, सेडेंटरी रिमाइंडर का ऑप्शन, कैमरा कंट्रोल मिल जाएगा, म्यूजिक कंट्रोल, फाइंड माय फोन का ऑप्शन, अलार्म सेट कर सकते हैं। और सेटिंग्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं और इसका जो रेस टू वेक फीचर उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसका रेस टू वेक फीचर थोड़ा बहुत एडिकेट तरीके से वर्क करता है, माइनूट आप बोल सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का डिले बोल सकते हैं, जब भी आप स्मार्ट वॉच को ऊपर करेंगे थोड़ा सा डिले लग सकता है लेकिन आपको प्रॉपर डिस्प्ले मिल जाएगा स्क्रीन का। और स्क्रीन टाइम भी सेट कर सकते हैं, यहाँ से आप मिनिमम 5 सेकंड्स का स्क्रीन टाइम दिया गया है, मैक्सिमम 60 सेकंड्स का स्क्रीन टाइम दिया गया है, इसको आप सेट कर सकते हैं। इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं मिलने वाला, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और साथ ही में आपको मिल जाएगा डू नॉट डिस्टर्ब मोड में ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, वाइब्रेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, मेन्यू स्टाइल सेट कर सकते हैं, लैंग्वेज में आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस मिलने वाली है लेकिन यहाँ पे आपके मतलब की लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश ही है, बाकी और कोई लैंग्वेज में आपको यहाँ पे प्रेफरेबल नहीं लगेगा, सिंपली आप इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। एंड माय फोन का ऑप्शन मिल जाएगा, पासवर्ड प्रोटेक्शन का ऑप्शन भी मिलने वाला है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। अगर आपको एक्सीडेंटल टचेस होते हैं या आपको कोई अवॉइड करना है, कोई दूसरी स्मार्ट वॉच आपको यहाँ पे कोई बंदा यूज ना करे, तो पासवर्ड प्रोटेक्ट भी आप कर सकते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। स्मार्ट वॉच के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, रीसेट कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे स्मार्ट वॉच को, ये सब आपको चीजें मिलने वाली सेटिंग्स में। यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, एप्लीकेशन का यहाँ पे क्यूआर कोड दिया गया है, कैसे एक्जैक्टली एप्लीकेशन वर्क करती है हम आगे डिस्कस करेंगे। और साथ ही में आपको यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन, शट डाउन, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, यहाँ पे आपको एक बिल्ट इन गेम दिया गया है टैप टैप करके, इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं टाइम पास करने के लिए, एक सिंगल गेम दिया गया है। यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर हम सेंसर्स की एक्यूरेसी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत देख सकते हैं फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर को लेके, और सेम आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी इसकी ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट को लेके। कैजुअल पर्पस के लिए आप स्मार्टवॉच को यूटिलाइज कीजिएगा, अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए हमेशा ये रिकमेंड करूंगा जो हेल्थ इंस्ट्रूमेंट किट्स आते हैं उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा, स्पोर्ट्स मोड्स का ऑप्शन मिलने वाला है, वेदर इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हैं, स्टॉपवॉच का ऑप्शन, बिल्ट इन आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा, ये भी एक प्लस पॉइंट है, मेन्यू स्टाइल आप सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको वॉइस सेशन का फीचर भी मिलने वाला है। अगर आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे फोन से सिंपली आप टैप करेंगे स्मार्ट वॉच में, जो भी आपके फोन में वॉइस सेशन फीचर एक्टिवेट हो जाएगा फिर आप कमांड्स देके यूटिलाइज कर पाएंगे। इसमें आपको जेन मोड मिलने वाला है, अगर आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे रिलैक्स करना है, ब्रीदिंग करनी है, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कॉलिंग मोड मिल जाएगा, तो ये सब आपको एप्लीकेशन मिलने वाले स्मार्ट वॉच में। और इसमें आपको वाटर रेजिस्टेंट फीचर भी मिलने वाला है, अगर आप हैवी एक्टिविटीज करते हैं, स्वेट आता है, पानी के स्प्लैशेस लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन इसमें आपको बिल्ट इन स्पीकर दिया गया है, मैं बोलूंगा पर्सनली अवॉइड कीजिएगा इसको आप अंडर वाटर ले आना। और एप्लीकेशन सपोर्ट की बात करेंगे, यहाँ पर आपको RYFINE HRYFINE नाम है एप्लीकेशन का, ये सपोर्ट करती है। और जैसे आप कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे फ्रंट पेज में जितनी आपने एक्टिविटीज की हुई, स्टेप काउंटिंग को लेकर कितने आपने कैलोरीज बर्न की हुई, प्रॉपर यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं, डेटा आप चेकआउट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में आप जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया जो बिल्ट इन GPS है आपके फोन का, यहाँ से प्रॉपर तरीके से एक्टिविटीज चेकआउट कर सकते हैं, पूरा मैप यूटिलाइज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यहाँ पे चल के आए, एक्टिविटीज करके आए हैं। और माय पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है मल्टीपल फीचर्स, कॉल रिमाइंडर का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कॉलिंग का फीचर उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, और
डिवाइस सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन मिल जाएगा। मैसेज रिमाइंडर में आप जाएंगे तो आपको कौन कौन से एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन चाहिए स्मार्ट वॉच में, यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं आप। और अलार्म सेट कर सकते हैं, सेंट्री रिमाइंडर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रिमोट कंट्रोल सेल्फी का ऑप्शन मिलने वाला है, आपको सेल्फी लेनी है अगर आप सिंपली स्मार्ट वॉच को शेक करेंगे या टैप करेंगे एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू यहाँ पे पिक्चर ले ली जाएगी। स्लीप मॉनिटरिंग सेंसर का ऑप्शन मिलने वाला है, कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब मोड में एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको 24 आवर्स का फॉर्मेट चाहिए कि 12 आवर्स का फॉर्मेट चाहिए ऑन ऑफ कर सकते हैं। वाइब्रेशन अलर्ट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से पावर सेविंग मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड में स्मार्ट वॉच को पहनते हैं राइट हैंड में पहनते हैं सेट कर पाएंगे। टाइम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मल्टीपल यहाँ पे आपको फीचर्स मिलने वाले हैं। साथ ही आप डायल में जाएंगे तो यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं वॉच फेसेस को लेकर। यहाँ पे आप डायल मॉल में जाएंगे तो मल्टीपल आपको क्लाउड बेस्ड वॉच फेस मिलने वाले हैं जो आपको पसंद आए। यहाँ पे नई नई प्रोडक्ट लिस्टिंग भी होती रहती है, जो आपको वॉच फेस पसंद आए यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे माई डायल पे जाएंगे तो यहाँ पे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, आपके फोन में जो स्टोर है पिक्चर उसको आप वॉच फेस की तरह लगा पाएंगे। टाइम पोजिशन कैसा चाहिए, कलर कैसा चाहिए, आपको फॉन्ट का प्रॉपर कस्टमाइजेशन मिल जाएगी वॉच फेसेस को लेकर। यहाँ पे स्टेप्स गोल आप सेट कर सकते हैं, यहाँ पे थीम चेंज कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की। बैकग्राउंड प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, सिस्टम अथॉरिटी मैनेजमेंट का ऑप्शन, फोन बुक में यहाँ पे आप मल्टीपल कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं, बहुत सारे कॉन्टैक्ट सेव करने का ऑप्शन दिया गया है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पर आपको अबाउट में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एप्लीकेशन के बारे में, सेट कर सकते हैं। टाइमली अपडेट्स आते रहते हैं, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन यूजफुल है, इससे आप कनेक्ट करके सारे के सारे फीचर एक्सेस कर पाएंगे इस स्मार्ट वॉच के। बैटरी बैकअप की बात करेंगे, अगर आप इसका हैवी यूसेज करते हैं, ज्यादा ब्लूटूथ कॉलिंग करेंगे, ब्राइटनेस ज्यादा रखेंगे, लगभग आप बोल सकते हैं 1.5 से 2 दिन के आसपास आपको बैटरी लाइफ मिलने वाली है। नॉर्मल यूसेज करेंगे, एडिकेट यूसेज करते हैं, नॉर्मली ब्लूटूथ कॉलिंग करेंगे, कभी कभी आप बोलते हैं ना कि ब्राइटनेस भी आप एडिकेट रखेंगे, तो 5 to 6 days के आसपास आप बोल सकते हैं, मैक्सिमम 7 days तक बैटरी लाइफ दे सकती है बिल्कुल नॉर्मल यूसेज पर। बैटरी इसमें आपको डिसेंट मिलने वाली है बड़े डिस्प्ले के हिसाब से। तो मैंने आपको सब इसके प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं, प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी तक जस्टिफाई करती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एनहांसमेंट होनी चाहिए थी। बाकी मैंने आपको सब दिखा दिया प्रॉपर डिटेलिंग के साथ, अब आप पे डिसीजन मैटर करता है, सब आपने टेस्टिंग देख ली है। अब यहाँ पे इसमें आपको मनी इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, आप पे डिसीजन मैटर करता है। पॉसिबल लिंक्स भी मैंने दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर आप चेकआउट करके इसको ग्रैब कर सकते हैं। आपको अभी भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प आउट विद दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद द रिसेंटली लॉन्च पेबल फ्रॉस्ट प्रो स्मार्ट वॉच। Hope you like this one, and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible, so we can make more good stuff for you all. Thank you for watching this one, and see you in the next video. Thank you.